साक्ची में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर सार्वजनिक उद्योग बचाओ देश बचाओ के बैनर तले राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन राष्ट्र के प्रत्येक जिला मुख्यालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के मुख्यालय या इकाई के सामने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के खिलाफ किया गया। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत भारतीय मजदूर संघ पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला अध्यक्ष वाई शुक्ला की अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा उपायुक्त जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम 14 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम को भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री पूर्वी सिंहभूम मुकेश कुमार के अन्य सदस्यों के द्वारा सौंपा गया। आज दिनांक 28 अक्टूबर को भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे देश में हर डीसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। धरना के उपरांत प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन डीसी के माध्यम से भेजा जाएगा। उसमें हम लोगों की जो प्रमुख मांग है कि भारत सरकार जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करती है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को बंद किया जाए, निवेश प्रणाली का जो कानून है उसको बंद किया जाए, कर्मचारियों का जो है सुविधा का ध्यान रखा जाए, उनका किसी तरह से आर्थिक और सामाजिक शोषण न हो, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी रखा जाए, नायक जो भी भत्ता किया जाए जो बंद है कर्मचारियों का, इसी तरह से जो है बहुत सी मांगे हैं जिसको हम लोग जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा नाम है यादवेंद्र शुक्ला, जिलाध्यक्ष